आपने सभी ने घोड़े को तो देखा ही होगा। घोड़े को एक ताकतवर और फुर्तीला प्राणी माना जाता है और साथ ही घोड़े की दुनिया भर में कई प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन घोड़े को लेकर एक बात आपके मन में जरूर आती होगी और आपने कभी ना कभी इस बात के बारे में नोटिस किया होगा कि घोड़े हमेशा खड़े रहते हैं, घोड़े कभी बैठते नहीं है और साथ ही आपने यह भी देखा होगा कि घोड़े कभी सोते नहीं है। दोस्तों, आपने कभी घोड़े को सोते हुए नहीं देखा होगा, तो क्या सच में ऐसा होता है कि घोड़ा सोता ही नहीं है? अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि घोड़ा नहीं सोता है और वो हमेशा ही खड़ा रहता है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि घोड़ा हमेशा खड़ा क्यों रहता है और वो सोता है या नहीं सोता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनबिलीवेबल फैक्ट्स। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि घोड़ा कभी सोता नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दुनिया में जितने भी पशु पक्षी और प्राणी हैं, उनकी नींद उनकी आवश्यकता के अनुसार तय की गई है। और दोस्तों बता दें कि घोड़ा जो होता है वो अत्यधिक ऊर्जावान तथा ताकतवर प्राणी है। उसकी इसी ऊर्जा की वजह से घोड़े को बहुत कम नींद की जरूरत होती है और घोड़ा दिन भर में सिर्फ 30 से 40 मिनट ही सोता है, क्योंकि इससे ज़्यादा नींद की उसे ज़रूरत नहीं होती है। और जो घोड़ा होता है वो अपनी 30 से 40 मिनट की नींद भी थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में पूरी कर लेता है। दोस्तों, इसके अलावा घोड़ा जो होता है वो हमेशा खड़ा रहता है और घोड़े के हमेशा खड़े रहने के पीछे का कारण ये है कि घोड़ा हमेशा तैयार स्थिति में रहता है। इसके लिए घोड़े के पैरों की मांसपेशियां और उसकी शारीरिक बनावट भी काफ़ी कारगर साबित होती है। अब देखा जाए तो घोड़े के पैर एकदम चारपाई यानी कि खटिया की जो चारपाई आती है वैसे ही होते हैं। ये बिल्कुल तने हुए होते हैं जो उसे हर परिस्थिति में मदद करती है और जब घोड़ा सोता है तब वो उसे गिरने नहीं देते हैं। दोस्तों, जब घोड़ा खड़ा होकर सोता है तो उस समय पैरों की कोशिकाएं एक तरह से आपस में खींच कर कड़क बना देती है और जो उसे नींद के दौरान गिरने से बचाती है। दोस्तों, एक वक्त में कुछ मिनटों की नींद लेने के बाद घोड़ा अपने पैर पर इतना तनाव आराम से झेल लेता है। इसके अलावा घोड़ा एक सजग प्राणी माना जाता है और अगर घोड़ा बैठ जाता है तो उसे वापस से खड़े होने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों इसी कारण से वो देर तक खड़े रहने की क्षमता रखता है और देर तक खड़ा रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि घोड़ा बैठता कब है और जब घोड़ा बैठता है तब क्या माना जाता है। तो दोस्तों अब ऐसा भी नहीं है कि घोड़ा कभी बैठता नहीं है, लेकिन दोस्तों जब घोड़ा बैठ जाए तो ये माना जाता है कि घोड़ा बीमार या कमज़ोर हो चुका है, तभी वह कुछ समय के लिए बैठ जाता है। इसलिए माना जाता है कि घोड़ा जब तक खड़ा रहता है तो उसे घोड़े के स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा अगर घोड़ा बैठा रहेगा तो उसके फेफड़ों को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जो उसके लिए घातक साबित हो सकता है और यही कारण है कि घोड़े का खड़ा रहना ही उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की कि घोड़ा हमेशा खड़ा क्यों रहता है और घोड़ा कभी सोता है या नहीं सोता है। तो दोस्तों अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि घोड़ा सोता है या नहीं सोता है और सोता है तो कब सोता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ।